नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स 1 जून 2018। ठीक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स से हम उनके बारे में बात करेंगे मित्रों, तो बने रहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर करें। तो बढ़ते हैं मित्रों पहले क्वेश्चन की ओर कि हाल में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण संपन्न हुआ, तो इसमें कौन सी सेनाएं सम्मिलित थी मित्रों? नेपाल और भारत की सेनाएं, ठीक है, और ये उत्तराखंड के अंदर संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, हाल में ही भारत ने 2 रोड परियोजनाओं के लिए किस देश को 33 करोड़ रुपए जारी किए? तो नेपाल को जारी किए मित्रों, किसको? नेपाल को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल में ही विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया? तो मित्रों 31 मई को ये मनाया गया, ठीक है, 1988 से ये प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि भारत ब्रिटेन गृह मामलों की तीसरी वार्ता, ठीक है, तीसरी बैठक कहाँ पे हुई? तो मित्रों ये नई दिल्ली के अंदर हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल में ही किस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाई है? तो मित्रों SBI नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे SBI ने, तो SBI ने मित्रों ये बढ़ाई है। पहले 6.4% थी और बढ़ाई है 6.65%, ठीक है। नेक्स्ट है, किम्बो नामक एक संदेश ऐप किसने लॉन्च किया? तो मित्रों ये लॉन्च किया किसने? पतंजलि ने। नेक्स्ट है, उर्मिला सिंह जिनका अभी हाल में स्वर्गवास हुआ है किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? तो मित्रों हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी थी, ठीक है, किसकी? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो मित्रों चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये देहरादून के अंदर आयोजित होगा। नेक्स्ट है, US आधारित वोगडूडी का किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? तो मित्रों इंफोसिस ने अधिग्रहण किया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी लगातार दूसरे वर्ष के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक PSU बनी? तो मित्रों IOCL इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समाज कल्याण के लिए वर्ष का सबसे प्रेरक आइकन, ठीक है, किस खिलाड़ी को दिया गया, यानी कि मोस्ट इंस्पायरिंग आइकन ऑफ द ईयर फॉर सोशल वेलफेयर? तो मित्रों ये दिया गया भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह को। नेक्स्ट है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले कार्टूनिस्ट थॉमस एंटनी कहाँ के निवासी थे? तो मित्रों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो मित्रों ये जो जीतने वाले, ठीक है, थॉमस एंटनी केरल के निवासी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, लिनियन पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा कमलजीत एस बाबा, ठीक है। नेक्स्ट है, मोदी जी ने इंडोनेशियाई नागरिकों को कितने दिनों का भारत का वीजा मुक्त देने की घोषणा की है? तो वो मित्रों 30 दिन का जो मुक्त वीजा है वो उसको देने की घोषणा की है। साथ ही साथ मित्रों इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह पर आर्थिक व सेना, ठीक है, इस्तेमाल को मंजूरी सहित 15 समझौते हुए भारत और इंडोनेशिया के बीच में। हाल ही में नए राजकीय प्रतीक चिन्ह जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो मित्रों आंध्र प्रदेश है जिसने हाल ही के अंदर अपने राजकीय प्रतीक चिन्हों को चेंज किया है। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है मित्रों वो है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट। मूडीज रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष के लिए 2018 भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? ठीक है, तो वो जिसका आंसर होगा मित्रों सी 7.3%, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मानव के कौन से अंग का निर्माण किया गया है? तो मित्रों इसका जो आंसर है, ठीक है, वो होगा कार्निया, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मित्रों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन रफ्तार की शुरुआत की गई है? ठीक है, कौन सा मिशन है मित्रों? मिशन रफ्तार, तो इसका जो आंसर है वो है रेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है। रेल फास्ट कौन चलती है? रेल ही चलती है, तो आप समझ जाओगे इससे। अमेरिका द्वारा US स्पेसिफिक कमांड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो मित्र जो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा सी US इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट टॉक, ठीक है, स्टेट टॉक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखी गई M वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है संतोखवा
मानवतावादी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मित्रों कैलाश सत्यार्थी व अंतरिक्ष वैज्ञानिक AS किरण जो इसरो के अध्यक्ष है, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया। तो ये मित्रों 1 जून 2018 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 2 जून 2018 के। थैंक यू।